ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे अक्टूबर 1 से 7 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर, और देखेंगे कि ये हफ्ता ओवरऑल कैसा रहेगा। पहले लव लाइफ की बात करेंगे, करियर की बात करेंगे, ओवरऑल एनर्जी क्या है सबके लिए, एंड देन गाइडेंस। तो चलिए सबसे पहले रिलेशनशिप की बात करेंगे कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, वो इस हफ्ते कैसा रहेगा, अक्टूबर 1 से 7। जी हाँ, ओके। सो कार्ड्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं, एनर्जी फ्लो कर रही है। ओह माय गॉड, ओके, लेट अस सी आपकी लव लाइफ में आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चल रहा है एरीज। बहुत एनर्जी ऐसा लग रहा है फ्लो कर रही है, बहुत इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेट अस सी। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है डिस्टेंस। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर यू नो से मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं उनकी तरफ, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। आई मीन, हो सकता है कि शायद आपके माइंड में चल रहा हो, यू आर प्लानिंग दिस एंड दैट, ऐसी यू नो हो सकता है एक ब्लॉक सिचुएशन है, आप लोगों की ज़्यादा बात नहीं हो रही है, उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है आपने, बट यू वॉन्ट टू सी योर पार्टनर, यू वॉन्ट टू ट्रैवल। शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स बीन एन एंडिंग, और ऐसा कुछ सिचुएशन रहा है आप लोगों के बीच में, ठीक है। यू आर वॉन्डरिंग, कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, क्योंकि ये सिचुएशन एक स्टक सिचुएशन है, ठीक है, आप लोगों के बीच में, इट्स अबाउट बहुत कुछ उनके मन में है, बट शायद दबा के चल रहे हैं, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ कुछ एरीज के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक अ कंप्लीट न्यू बिगनिंग, कि एक बिल्कुल नई शुरुआत दिखाई दे रही है, और एक चेंज दिखाई दे रहा है, और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सिंगल्स के लिए स्पेशली ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट अ न्यू बिगनिंग, ठीक है, कि एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, बिकॉज हायरोफेंट एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कि हो सकता है आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक नई शुरुआत, ओके। आप किसी के साथ बात चल रही है, कम्युनिकेशन और बहुत कुछ आपके माइंड में चल रहा है। अब जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, अगर आप लव लाइफ मैरिड है, वट एवर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आई थिंक ये कन्फ्यूज्ड है थोड़े से। ये शायद हो सकता है कि कुछ इश्यूज हुए हैं इन द पास्ट, आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, या किसी के पास चॉइसेस हैं, ठीक है, आपके पास है, आपके पर्सन के पास चॉइसेस। चॉइसेस का मतलब है कि आप लोग की लाइफ में कोई और है, आप सोच रहे हैं, मतलब यू नो ऐसा कुछ है, या उनकी साइड से है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बिकॉज यहाँ वो कन्फ्यूज्ड और परेशान दिखाई दे रहे हैं, और एक स्टक सिचुएशन है। तो या तो कुछ ऐसा रीसेंट पास्ट में हुआ है, या हो सकता है कि ये पर्सन यू नो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी एरीज के पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है, आई थिंक इट्स अबाउट डिस्टेंस। मुझे लग रहा है कि कोई इस कनेक्शन को हील करना चाहता है, रिकनसाइल करना चाहता है, मतलब वट एवर द सिचुएशन, चाहे थर्ड पार्टी है, कुछ भी है, बट ये पर्सन रिकनसाइल करना चाहते हैं। ऑफकोर्स ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक आपकी तरफ आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं वो। और आप क्या चाहते हैं एरीज, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट टेकिंग इट स्लो। मुझे लगता है एक स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ दिखाई दे रही है। आई मीन, हो सकता है कि आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप माइंड क्लियर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि क्या आप सही स्टेप ले रहे हैं, ये सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है अल्टीमेटली फॉर ऑल द एरीज पीपल। और हो सकता है कि यहाँ कुछ लोगों के लिए, मैंने आपको बोला ना कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि ये एक बिल्कुल नया साइकिल आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है। हो सकता है आप कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया हो रहा है, और आप पुराने उस जोन में से निकल के एक नए जोन में एंटर कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग, यू नो लॉट ऑफ चेंजेस अहेड। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली गेटिंग मैरिड या कोई राइट पार्टनर आपकी तरफ आ सकता है ये अक्टूबर 1 से लेकर 7 के बीच में, ऐसे मतलब चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। एंड मोर ओवर, हो सकता है आपके पार्टनर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहे हैं, बहुत बड़े बदलाव के थ्रू निकल रहे हैं। उनके मन में फीलिंग्स तो हैं, इमोशंस तो हैं, बट शायद हो सकता है कि वो एक लूप में आप लोग फंसे हुए हैं, कि ऑन ऑफ या कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप लोग बार बार घूम फिर के यू नो वहीं आ जाते हैं, तो
ये सिचुएशन है। चलिए अब बात करेंगे आपके करियर की, बट ऑफकोर्स बने रहिएगा, इन दी एंड हम ओवरऑल देखेंगे, ठीक है, सबके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं कलेक्टिव के लिए, ठीक है, एरीज, चाहे लव लाइफ हो, करियर हो, वॉट एवर, तो कुछ मैसेजेस आपको वहाँ पे भी ज़रूर मिलेंगे। करियर की अगर बात करें, ऑफकोर्स इट्स अबाउट ग्रोथ। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसे लगता है कि यू आर इन टू अ वेरी गुड पोजिशन। हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ है, बट यहाँ अल्टीमेटली आपको एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा ख्याल रखिए, किसी पे ज़्यादा विश्वास मत कीजिए, ओके, लाइक आपकी पोजिशन, आपका वो, आई थिंक इट्स अबाउट लाइक यू नीड टू टेक केयर, ओके, थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अगेन मुझे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, अगेन चेंज दिखाई दे रहा है, हो सकता है इट्स अबाउट लाइक यू नो अ वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन टू योर करियर, बिकॉज डेथ का कार्ड है, दैट मीन्स थिंग्स आर, अब हो सकता है कुछ आपका कोई प्रोजेक्ट अटका हुआ है, या हो सकता है कि जिस तरीके से आप चाह रहे हैं यू नो, तो वो चीज़, मतलब ऑब्वियसली आप अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं, आप यू नो अपने फुल फॉर्म में हैं, आप अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत हार नहीं रहे हैं, बट द थिंग इज इट्स अबाउट दैट डीप चेंज जो कि आपके करियर में आ सकता है आगे चल के, और उसके साथ ही न्यू बिगनिंग भी दिखाई दे रही है, एक फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। अब वो हो सकता है वर्किंग ऑन सम न्यू आइडियाज, ओके, या हो सकता है, तो अपने प्लान्स को किसी और के साथ शेयर मत कीजिए, मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगी, डोंट यू नो शेयर योर प्लान्स विद अदर पीपल, और या एट वर्क प्लेस हो सकता है कि देर इज़ सडन चेंज और शिफ्ट, कोई सडन चेंज है, कोई शिफ्ट है, ओके, और दूसरी बात ये कि देर आर लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड यू, या लोग हैं, जेलस हैं, वट एवर इट इज़, आप इस, आपको इस चीज़ को थोड़ा ध्यान की, यस, बिकॉज यू आर वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन, तो चाहे वो रिलेशनशिप है, करियर है, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट आप किसी चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं, एक एंगजाइटी बिल्डअप हो रही है, यू नो, और शायद हो सकता है कि वो रिलेशनशिप को लेके हो, फाइनेंसिस को लेके हो, अपनी पोजिशन को लेके हो, एक एक यू नो एंक्शियस सी वो एनर्जी है, आपको लग रहा है कि कैसे होगा, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज, आप वो चेंज चाह रहे हैं अपनी मैरिज लाइफ में, अपने करियर में, अपने यू नो फाइनेंसेस में, वो चेंज चाह रहे हैं, तो आपको उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, ये देखना बहुत ज़रूरी है एरीज के लिए, दैट व्हाट यू नीड टू डू अबाउट दैट, ठीक है, जो भी है, व्हाट एवर इट इज़, आप जिस चीज़ के भी थ्रू निकल रहे हैं, ट्रस्ट, ओके, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली, तो ट्रस्ट बना के रखना बहुत ज़रूरी है, एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी जो मन की आवाज़ है वो आपको लीड करेगी टूवर्ड्स द राइट पाथ, तो अपनी इनर कॉलिंग को ज़रूर सुनना है, ओके, कहने का ये मतलब है कि चाहे रिलेशनशिप हो, आप किसी पर्सन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप डील कर रहे हैं, वट एवर इट इज़, ठीक है, आपको ये मान के चलना है कि जो भी पहली आवाज़ आती है, जो भी आप खुद से कनेक्ट करते हैं, वो आपको सही गाइड करेगी, दैट इज़ फॉर श्योर, ओके, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है दिस में लीड टू समथिंग न्यू, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट देर आर चेंजेस अहेड, बट आपको थोड़ा सा मतलब एक तो पेशेंस बना के रखनी है, ठीक है, डेस्परेट मत होइए, कीप पेशेंस, ओके, वो चेंज जो है वो जल्दी आएगा आपकी लाइफ में, थोड़ा सा आपने आपको पेशेंस रखी, और हो सकता है आपको इस सिचुएशन के साथ थोड़ा सा स्ट्रगल नहीं कहूँगी, बट येस लाइक यू हैव टू यू नो क्या बोलूँ, यू हैव टू फाइट फॉर इट, गो फॉर इट, फाइट फॉर इट, ओके, चाहे वो लव सिचुएशन है या करियर है, वॉट एवर, कई बार होता है ना कि आपको अपनी तरफ से वो स्टेप्स लेने पड़ते हैं, आपको देखना पड़ता है कि कहाँ आपको चुप रहना है, कहाँ आपको यू नो वो स्टेप्स लेने हैं, नेसेसरी स्टेप्स जो जो कि बहुत ज़रूरी हैं इस सिचुएशन में, जो आपको हेल्प करेंगे, तो ये आपको ज़रूर देखना है, ओके, तो ये आपकी वंडरफुल रीडिंग थी एरीज, आई होप आपको पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, टिल देन टेक केयर।